मॉनसून सीजन की शुरुआत के साथ ही देश भर में बाढ़ का मंजर देखने के लिए मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, घरों से लेकर खेत खलिहान तक पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये मुसीबत अभी थमने वाली भी नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूरे देश में बारिश ने किस तरह से कोहराम मचा रखा है, आपके राज्य की तस्वीर क्या है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। तमाम आवाम को आगाह करता हूं, आप अपने बच्चों को, मवेशी को दरिया की तरफ न जाने दें। आने वाले दिनों में काफी बारिश की चेतावनी दी गई है। असम में बाढ़ का कोहराम, रजौरी की नदियों में उफान, अयोध्या में सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही, मुरादाबाद में सड़कें जलमग्न हो गई। देश में मौसम ने अपना मूड क्या बदला, देश की तस्वीर बदल गई। मॉनसून के आने के साथ ही तबाही की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आने लगी। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, घरों से लेकर खेत खलिहानों तक हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश में सबसे बुरा हाल असम का है। ब्रह्मपुत्र नदी में आए बाढ़ से मोरीगांव, बरपेटा और नागांव के ज्यादातर इलाके डूब गए हैं, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने छोड़ टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। कहीं आने जाने के नाव की मदद ली जा रही है। विनाशकारी बाढ़ से इंसानों के साथ साथ जानवर भी प्रभावित हुए हैं। हर साल पानी आता है तो थोड़ा धीरे धीरे आता है, यही साल में ऐसा तूफान जैसे आता है ऐसा आ गया। एक दिन में माने कमर जैसे बुक तक पानी हो गया और पानी का तकलीफ यही है, बहुत आदमी का बहुत चमन तो पानी में चला गया। का पानी एक दिन में इतना पानी आ गया तो आदमी लोग को कोई माने धंधा ही नहीं है जब पानी इतना हो जाएगा। बहुत आदमी का बहुत चमन खराब हो गया। आदमी लोग सामान बचाने नहीं सके और खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा है, लेटरिन बाथरूम का तकलीफ हो रहा है, बहुत लोग का सामान बर्बाद हो गया। 20-25 साल से हो रहा है अंदर, यहाँ से 25-30 गांव चला गया, अंदर ब्रह्मपुत्र में चला गया 25-30 गांव। अभी ये लोग आदमी वहाँ से यहाँ आया, शिफ्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, लेकिन बीच में ये बांध आ गया। ये बांध यहाँ पर देना नहीं था, बांध था पीछे देना था, लेकिन ये इस साइड में दे दिया। यहाँ आदमी लोग बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। असम में बाढ़ के चलते सिर्फ एक दिन में 8 लोगों की मौत हो गई। अब तक 56 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 29 जिलों के 21,13,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क में 31 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि 82 जानवरों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, लेकिन असम के बाढ़ के मुद्दे पर सियासत भी पीक पर है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाया तो जवाब हेमंता की ओर से भी आया। बहुत ही चिंतित हूँ और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी और तत्पर होना चाहिए। मैं अवगत हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की, लेकिन मुझे चिंता है कि क्या मुख्यमंत्री स्वयं वास्तविक जो सच्चाई है जानते हैं कि नहीं। बड़ा लोगों का साथ मुझको डिबेट में मत फेंकिए, मेरा काम है बांध सहायता करना, बड़ा घर का बड़ा लड़का, मेरा उसमें कोई पड़ना नहीं। सर बाढ़ की स्थिति कैसी असम में और किस तरह से? असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है सबको मदद करने का। असम से चलते हैं उत्तराखंड, जहाँ बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। देहरादून में गुच्चू पानी के पास एक टापू पर 10 लोग फंस गए। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF ने रस्सी के सहारे इनका रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर हैं।
चमोली में अब तक 26% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। बागेश्वर में सामान्य से 75% ज्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। अगर बात मेघालय की करें तो यहां एक महीने के भीतर 44% से ज्यादा बारिश हुई है। यहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से कई इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। बेतहाशा बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मेघालय की मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को राहत सामग्री बांटी। तो उधर जम्मू कश्मीर के रजौरी में भी नदियां उफान पर हैं। लोगों को नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। सावधानी बरतने का फरमान जारी किया गया है ताकि जान माल का नुकसान ना हो। लोगों को अवेयर कर रहे हैं हम अपनी टीम के साथ कि कोई भी आदमी नदी नालों की तरफ ना जाए। आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात की तरफ से काफ़ी बारिश बताई गई है और कोई भी नुकसान हो सकता है। अपने मवेशी को लेकर या अपने बच्चों को लेकर नदी नालों की तरफ ना जाएं। किसी को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी जो टीमें आई थी उन सब ने ये समझाया है कि नदी और नालों से दूर रहा जाए क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब है। 3-4 दिन में अलर्ट भी किया हुआ इनने कि पानी का बहाव कभी भी आ सकता है, इसलिए उनका हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पहाड़ पर मौसम के बदले तेवर ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अयोध्या में सरयू के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है जिससे लोगों के बीच डर का माहौल है। सरयू के आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, इससे ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। ये 2-2 घंटे प्रति घंटे के हिसाब से 2-2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। अभी वार्निंग लेवल से 45 सेंटीमीटर मौके पर नीचे चल रही है ये, और डेंजर लेवल से 1 मीटर 45 सेंटीमीटर मौके पर नीचे चल रही है अभी नदी का जलस्तर। लगातार बनी हुई है भारी मात्रा में बारिश होने के कारण लगातार दो तीन दिन से बढ़ता ही जा रहा है, मतलब अभी भी बढ़ ही रहा नदी, मतलब भारी मात्रा में पहाड़ों पर बारिश होने के कारण तराई क्षेत्रों में भी बारिश भारी मात्रा में हो रही है जिसकी वजह से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। यूपी के 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में अलर्ट है। मॉनसून की पहली बारिश में ही यूपी पानी पानी हो रहा है। शहर और या फिर गांव भारी बारिश के आगे ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे रहा है। मुरादाबाद की सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां रेंगने लगी हैं। जो लोग काम के चक्कर में घर से बाहर निकले थे उन्हें सड़क पर गंदे पानी में होकर गुजरना पड़ा। बारिश का पानी गाड़ियों में घुस रहा है तो गाड़ियां बीच सड़क में बंद पड़ जा रही हैं। रामलेगांव से यहां तक हमेशा दिक्कत ही रहती है। पता नहीं एक यहां पे एक साइड की सड़क बन गई है, मतलब एक साइड की नाली बन गई है। उसके बाद में कोई जब इलेक्शन चल रहा था तब तक तो काम हो रहा था, उसके बाद में काम ही बंद हो गया है। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा 3-4 तो मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं बीच में। हाँ, सिदेदी सी जाना है, स्कूल की छुट्टी हो जानी चाहिए, बच्चों को जाने में बहुत परेशानी हो रही है। दिल्ली NCR में भी बारिश की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। मॉनसून के साथ दिल्ली वालों को जाम का सामना करना पड़ा। भारी बारिश आफत बनकर आई है। पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर की सड़कें भी बारिश से लबालब हो गई। जयपुर के कई इलाकों में जल भराव जैसे हालात बन गए। सड़कों पर गाड़ियां डूब गई, लोगों के घरों तक पानी घुस गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में देश भर में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मेघालय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि उत्तराखंड, असम, गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले दिनों में बारिश और बाढ़ की मार और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है।